दोस्तों, करी पत्ते का पौधा हम सभी के घर में मिलता है और करी पत्ते का जो पौधा होता है उसको हम खाने में साथ ही कुछ मेडिसिन्स में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके पत्ते जो हैं अगर पीले पड़ रहे हैं या झड़ रहे हैं तो आपके पौधे में कोई हो सकता है या तो रूट बाउंड हो गई हो या फिर उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो। एक तो करी पत्ते को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए इसमें बीच बीच में लस्सी चौक वगैरह हमें देते रहना चाहिए, कैल्शियम रिच खाद। साथ ही एक महीने में एक बार इसमें हमें सॉलिड खाद भी देनी होती है, बीच में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। तो सर्दियों में ये डॉर्मेंसी में चला जाता है, इसकी ग्रोथ नहीं होती। तो जैसे अभी नवंबर लास्ट है तो एक बार हम इसको खाद दे देंगे, और इसको क्योंकि मेरे पत्ते इसके झड़ रहे हैं मेरे पौधे के, तो इसको खाद देने से पहले इसको एक बार इसकी मैं जड़ें साफ़ कर दूंगी। तो इसकी रूट बाउंड हो रही है लेकिन ये इसका जो सही समय नहीं है तो इसका रिपोर्ट करने का, इसलिए इसकी मैं थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं पहले वो साफ़ कर दूंगी और फिर खाद दे देंगे। तो कोशिश करें कि खाद ऊपर से ना डालें क्योंकि उसको फिर पौधों की जड़ों तक जाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो खाद हम इसके पास ही में ही डाल दें तो ज़्यादा ठीक है। वो इसको इसकी जो पहले कुछ मिट्टी हटाई, मैं इसके थोड़े अंदर तक इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि इसकी कुछ एक्स्ट्रा जड़ें जो है वो मुझे निकालनी है, क्योंकि इसकी रूट बाउंड हो रखी हैं लेकिन रूट बाउंड ये इसको रिपोर्ट करने का बिल्कुल सही समय नहीं है। इन दिनों में इसकी ग्रोथ नहीं होती और सर्दियों में हमें करी पत्ते को खाद या कुछ भी न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत नहीं है। जो पौधे डॉर्मेंसी में चले जाते हैं जिनकी ग्रोथ सर्दियों में नहीं होती उनमें हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं देना होता। एक तरह से वे सुप्तावस्था में यानी सोने की पोजीशन में होते हैं और जैसे सोते हुए हम कुछ नहीं खा सकते, इसी तरह से पौधे जो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं उनको किसी तरह के खाद की ज़रूरत नहीं होती। तो इसकी पूरी मिट्टी मैंने आसपास से लूज़ कर ली है और इसकी जो एक्स्ट्रा कुछ जड़ें हैं वो खाली कर देती हूँ जिससे कि पौधा ख़राब ना हो। और अभी ये चल जाएगा थोड़े दिन और अभी इसमें पत्ते रहेंगे, जब इसके पत्ते थोड़े झड़ने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, लगता है कि हाँ ये डॉर्मेंसी में अब जा रहा है, तो मैं इसके पत्ते फिर तोड़ के रख लेती हूँ और उनको छाया में सुखा के अगर हम रख लेते हैं तो वो हमारे लिए जो है उतने ही खुशबूदार पाउडर उसका तैयार हो जाता है, जैसे हम कसूरी मेथी यूज़ करते हैं वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने जड़ें इसकी साफ़ कर ली हैं और इसके आसपास मैं डाल रही हूँ गोबर की खाद, क्योंकि इसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं, इसकी जो पूरी स्टिक झड़ रही हैं, तो इसमें खाद की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है और जड़ें भी बढ़ गई हैं। तो मैंने जड़ें थोड़ी कम कर दी हैं, इसकी हल्की कर दी हैं और अब उसमें खाद डाल के ऊपर से मैं इसको मिट्टी से वापस ढक दूंगी। इस तरह से आप इसमें पूरी मिट्टी ऊपर तक भर दीजिए तो इससे जड़ों को डायरेक्ट खाद जाता है, डायरेक्ट न्यूट्रिशन जाता है। ठीक है, खाद हमेशा पौधे की जड़ें थोड़ी साफ़ करके तब देना चाहिए। एक हरी सब्जियां जो होती हैं उनमें कुछ पौधे होते हैं जिनमें आप ऊपर से खाद डाल सकते हो, वरना तो इस तरह के जो हार्डी पौधे हैं पहले उनकी जड़ें साफ़ करें, थोड़ी जो एक्स्ट्रा जड़ें उनको हटाएं और फिर उसमें खाद दें। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें खाद दे के अब इसको पूरा बंद कर दिया है, ये खाद दिया गया है और अब ये पौधा जल्दी से ख़राब नहीं होगा। और अब इसमें मैं दे देती हूँ पानी, ये पानी डाल दूँ इसमें, अच्छे से एक बार पानी भर दूँ। तो अभी हमारा पौधा जो है वो ख़राब नहीं होगा और डॉर्मेंसी पीरियड में ये बिल्कुल सही रहेगा। अब पूरी सर्दियों में इसमें कोई खाद नहीं दूँगी तो ये पौधा मेरा सही रहेगा।